हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में टोटल 10 पार्ट था, जिसमें से 5 पार्ट ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में 5 पार्ट को सॉल्व कर चुके हैं और इस वीडियो में आगे के 5 पार्ट को सॉल्व करेंगे, यानी कि 6 से क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन 6 क्या है। तो क्वेश्चन 6 है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए, यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन को सेक ए प्लस टेन ए के इक्वल प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे यहां पे। तो पहले हम LHS लिखते हैं। तो LHS क्या है मेरा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए, क्लियर है। अब इसको हम अलग अलग करके स्क्वायर रूट में लिखते हैं। तो अलग अलग करके लिखेंगे तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए, ठीक है। तो अभी इस फ्रैक्शन में कोई भी या एक्सप्रेशन में कोई भी आइडेंटिटी या फॉर्मूला का यूज नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे। तो इसका डिनोमिनेटर जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस बी फॉर्म का है, ठीक है। और बताए थे किसी भी फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस बी, ए प्लस बी या फिर सिंपली ए प्लस बी, ए माइनस बी फॉर्म का हो, तो उस केस में क्या करते हैं कि इसको रेशनलाइज करके आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको भी रेशनलाइज करेंगे। तो जब रेशनलाइज करेंगे तो डिनोमिनेटर का साइन को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए और डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए, ठीक है। यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि सेम चीज दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड बाई। अब यहां पे अगर ध्यान से देखें तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए है, ये है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए है, तो ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर जो कि 1 होगा, माइनस बी स्क्वायर का मतलब साइन का स्क्वायर जो कि साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, क्लियर है यहां तक। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई यहां पे है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, क्लियर है। अब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, केवल क्या बचेगा, कॉस ए बचेगा, ठीक है। लेकिन हमको सेक और टैन चाहिए तो क्या करेंगे कि इसको अलग अलग करके ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस प्लस ये हो जाएगा साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस है, ठीक है। सिंपली अलग अलग करके इसको ऐड कर दिए। अब 1 अपॉन कॉस है ये किसके इक्वल होता है, सेक के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा सेक ए प्लस साइन अपॉन कॉस टेन होता है जो कि इक्वल हो जाएगा टेन ए के, वही प्रूफ करना था, सेक सेक प्लस टेन ए के इक्वल प्रूफ करना था, हो गया, जो कि किसके इक्वल है, आर एच एस के इक्वल है। तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हेंस प्रूफ्ड, ठीक है, यही प्रूफ करना था। तो ये था पार्ट 6, अब चलते हैं पार्ट 7 पे। उससे पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। अब चलते हैं पार्ट 7 पे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन को टेन थीटा के इक्वल प्रूफ करना है। तो पहले हम LHS लिखते हैं। तो LHS क्या है, LHS है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, क्लियर है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो पहले हमको दिख रहा है कि इस वाले एक्सप्रेशन में फर्स्ट टर्म में भी साइन है और सेकंड टर्म में भी साइन है, तो साइन यहां से कॉमन कर सकते हैं, तो यहां से साइन थीटा कॉमन कर लिए, ठीक है। क्या बचेगा यहां पे, तो 1 बचेगा माइनस 2 साइन, यहां पे साइन क्यूब था, एक साइन बाहर निकाल लिए तो क्या बचेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा डिवाइड बाई, जस्ट वैसे ही यहां भी कॉस थीटा दोनों टर्म्स में कॉमन है तो कॉस थीटा कॉमन कर लिए, यहां पे क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहां पे क्यूब है, एक कॉस निकाल लिए बाहर स्क्वायर हो गया, माइनस यहां पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्लियर है। चलो अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखेंगे यहां पे कैसे सॉल्व करेंगे। ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है ये, ठीक है, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है और हमको टेन थीटा भी चाहिए था। तो अगर हम किसी भी तरह से इन दोनों एक्सप्रेशन को कैंसिल कर दे तो हमको साइन अपॉन कॉस इक्वल मिलेगा जो कि टेन के इक्वल हो जाएगा और साइन से प्रूफ हो जाएगा। लेकिन ये दोनों एक्सप्रेशन कैसे कैंसिल हो सकता है जब दोनों सेम हो जाए, दोनों सेम होने का मतलब या तो ये पूरा एक्सप्रेशन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाए या फिर ये एक्सप्रेशन जो है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल हो जाए। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, या तो साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में चेंज करेंगे या फिर कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में चेंज करेंगे, क्योंकि
किसी भी दोनों में से किसी भी एक एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन के टर्म में लिखना होगा। तो या तो साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में चेंज कर दो या फिर कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में चेंज कर दो, दोनों में से कोई भी कर सकते हो, ठीक है। तो मान लो हम साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर के टर्म में लिख रहे हैं, तो कैसे होगा ध्यान से देखेंगे। ये हो जाएगा साइन थीटा, और ये क्यों कर रहे हैं, ताकि दोनों एक्सप्रेशन सेम हो जाए और आगे चल के कैंसिल हो जाए, क्लियर है। चलो तो साइन थीटा इंटू वन माइनस टू, अब साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो हम पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा के जब क्या लिख रहे हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए, क्लियर है यहां तक। चलो डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा कॉस थीटा, अब इसको चेंज नहीं करेंगे, क्लियर है, क्योंकि ऊपर नीचे एक्सप्रेशन सेम करना है। तो साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में चेंज कर दिए, तब कॉस स्क्वायर को चेंज नहीं करना है, तो ये हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, क्लियर है यहां तक। चलो अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा वन माइनस, अब टू से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू से सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू इंटू वन माइनस टू हो गया, माइनस टू इंटू माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा, तो माइनस इंटू माइनस, ये तो प्लस हो गया, और ये हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। डिवाइड बाई ये हो जाएगा कॉस थीटा, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, क्लियर है यहाँ तक। चलो अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू वन माइनस टू, तो वन माइनस टू माइनस वन होगा, ठीक है। वन माइनस टू क्या होगा, माइनस वन, और ये टू कॉस स्क्वायर है तो इसको पहले लिख रहे हैं टू कॉस स्क्वायर थीटा, और वन माइनस टू माइनस वन होता है तो माइनस वन लिख देंगे, ठीक है। डिवाइड बाई ये हो जाएगा कॉस थीटा और टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है ना। तो ये दोनों एक्सप्रेशन सेम हो गया, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये सेम हो गया, ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया मेरे पास, मेरे पास केवल बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो कि किसके इक्वल है, टैन थीटा के इक्वल है, जो कि आर एच एस है। तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हेंस प्रूफ, ठीक है, ऐसे करना था। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में टैन थीटा के इक्वल प्रूफ करना था, कर दिया, ठीक है। तो इस पार्ट को ऐसे ही सॉल्व करना था, अब चलते हैं पार्ट एट पे, उससे पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट, तो क्वेश्चन नंबर एट में क्या है, साइन ए प्लस कॉस ए के का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस ए के का होल स्क्वायर इक्वल टू सेवन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्लियर है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को उसके इक्वल प्रूफ करना है, और ऐसा क्वेश्चन हम आर एस अगल में भी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन है। तो पहले हम एल एच एस लिखते हैं, ठीक है। एल एच एस क्या है, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या करना है, सिंपली अभी फिलहाल में ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे स्प्लिट कर देना है, एक्सपेंड कर देना है, ठीक है ना। तो अगर करते हैं तो ये हो जाएगा ए और ये बी, तो ए स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर का मतलब कॉस ए स्क्वायर ए प्लस टू ए बी, यानी कि टू साइन ए इंटू कॉस ए, यहां तक क्लियर है। जस्ट वैसे इसको भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर एक्सपेंड करेंगे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस टू कॉस ए इंटू सेक ए, ठीक है यहाँ तक। चलो अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को हम साथ में लिख रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वन होता है, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम यहीं पर इसके जगह पर, चल लिख देते हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साथ में लिख दिए, ठीक है, ये आइडेंटिटी है, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस, अब यहां पे देखेंगे साइन ए इंटू कॉसेक ए, ये वन होता है, साइन ए इंटू कॉसेक ए वन होता है, कैसे, साइन ए इंटू कॉसेक ए को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन ए इंटू कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो हो जाएगा वन अपॉन साइन, ठीक है, साइन ए से साइन ए कैंसिल, क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो टू इंटू वन टू प्लस कॉस स्क्वायर तो यहां पर लिख दिए हैं, अब बचा सेक स्क्वायर ए प्लस, अब यहां पर देखेंगे 2 cos a into sec a है, ये भी 1 होगा क्योंकि sec जो होता है cos का reciprocal होता है, तो 1 upon cos, cos से cos cancel, ठीक है, या फिर cos sec का reciprocal होता है, जो भी है, तो 2 into 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्लियर है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, ये तो 1 होता है प्लस, अब ध्यान से देखेंगे जो भी हमको आर एच एस में प्रूफ करना है वहां पर टैन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर है, जबकि यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर है, तो कॉसेक स्क्वायर का रिलेशन कॉट स्क्वायर के साथ होता है और सेक स्क्वायर का रिलेशन टैन स्क्वायर के साथ होता है, तो क्या होता है, तो हम पढ़े हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर के इक्वल होता है, तो जहां भी कॉसेक स्क्वायर है वहां पे हम क्या लिख देंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो यहां पे कॉसेक स्क्वायर है तो इस पूरे के जगह पे, इसके जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख देते हैं, क्लियर है यहां पे, प्लस 2
sec स्क्वायर के जगह पर क्या लिख रहे हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, sec स्क्वायर के इक्वल होता है, प्लस 2। क्लियर है यहां तक? चलो इसको सॉल्व, इसको क्लियर करते हैं। ठीक, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 एक 5, 5 2 7, तो 7 हो गया, प्लस क्या बचा, cot स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, या फिर पहले tan स्क्वायर लिख लो बाद में cot स्क्वायर लिख लो, दोनों सेम है। क्लियर है? जो कि किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है, तो लास्ट में लिख देंगे therefore LHS is equal to RHS, hence proved। ठीक है, चलो तो ये था पार्ट 8, अब चलते हैं 9th पार्ट पे, उससे पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, cosec a माइनस साइन ए इंटू sec a माइनस cos a इक्वल टू 1 अपॉन tan a प्लस cot a। क्लियर है? यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन को 1 अपॉन tan a प्लस cot a के इक्वल प्रूफ करना है। तो पहले LHS लिखते हैं। ठीक है, तो LHS क्या है, cosec a माइनस साइन a इंटू sec a माइनस cos a। ठीक है, तो इसके क्या क्या करेंगे, सिंपली सारे को साइन और कॉस में चेंज कर देंगे। ठीक है ना, क्योंकि हमको टैन ए और कॉट ए चाहिए, तो यहाँ पे कोई भी आइडेंटिटी या फिर फॉर्मूला नहीं लगेगा, और मल्टीप्लाई करने से झूठ मिलकर लेंडी होगा। ठीक है, उससे अच्छा ये है कि कॉसेक और सेक को साइन और कॉस में बदल दो। ठीक है, तो यहाँ पे कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, तो 1 अपॉन साइन ए माइनस ये भी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन ए। यहाँ भी सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे साइन ए हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 1 माइनस साइन ए इंटू साइन ए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम कॉस ए होगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर के इक्वल होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे क्या लिख रहे हैं, कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई साइन ए इंटू, बीच में इंटू है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस ए। क्लियर यहाँ तक? अब हम देखेंगे ध्यान से, तो कॉस ए से ये एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे दो कॉस है तो एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी दो साइन है तो एक साइन कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया यहाँ पे, कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, लेकिन हमको RHS में टैन और कॉट चाहिए, तो यहाँ से कॉस ए इंटू साइन ए से ये कैसे मिल सकता है, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा फिलहाल में, तो क्या करेंगे, कॉस ए यहाँ पे कुछ लग भी नहीं पा रहा, ना ही आइडेंटिटी लग रहा है, ना फॉर्मूला लग रहा है, कॉस ए इंटू साइन ए कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पहुँचना थोड़ा मुश्किल है, तो फिर क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, इसको LHS को यहीं पे रोक देंगे, LHS को सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके यहीं पे छोड़ देंगे, इसके आगे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। ठीक है, अब क्या करेंगे, RHS को सॉल्व करेंगे, और RHS को सॉल्व करते करते यहाँ पे हम पहुँचेंगे। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि LHS और RHS का वैल्यू क्योंकि इक्वल है आपस में, तो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, चलो तो पहले हम RHS सॉल्व करते हैं इधर, तो RHS क्या है मेरा, 1 डिवाइड बाई टैन ए प्लस कॉट ए, इसको भी साइन और कॉस में बदल देंगे। ठीक है, ये 1 है, तो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई टैन क्या होता है, साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए, प्लस ये होता है कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 डिवाइड बाई यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कॉस ए इंटू साइन ए होगा। ठीक है, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, साइन ए इंटू साइन ए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, सिंपल एडिशन है केवल। ठीक है, जस्ट वैसे ही साइन ए से साइन ए कैंसिल, कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। तो क्या मिलेगा हमको, 1 डिवाइडेड बाई, अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये 1 के इक्वल होता है, तो 1 डिवाइड बाई कॉस ए इंटू साइन ए। क्लियर है, अब डिवाइड करेंगे तो ये जो एक्सप्रेशन है ये कुछ इस फॉर्म का है, ए डिवाइड बाई बी अपॉन सी। ठीक है, तो c a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऊपर cos a इंटू साइन ए चल जाएगा, cos a इंटू साइन ए, और नीचे 1 बचेगा। ठीक है, तो LHS का भी वैल्यू cos a इंटू साइन ए आ रहा है, और RHS को भी सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो वैल्यू कितना आ रहा है, cos a इंटू साइन ए आ रहा है, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, या फिर हम इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं और इसको इक्वेशन 2 बोलते हैं, एंड लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 LHS इक्वल टू RHS, ऐसे करेंगे। ठीक है, क्लियर है, अगर चाहे तो इसको भी सिंप्लीफाई करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं, कैसे, आसान है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि ये है cos A इंटू साइन A, तो cos A इंटू साइन A को 1 डिवाइड बाई 1 अपॉन cos A इंटू साइन A लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फर्दर इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर यहीं पे पहुँच जाएंगे cos A इंटू साइन A पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ठीक है, इधर सॉल्व कर रहे हैं, अब हम क्या करेंगे कि 1 डिवाइड बाई इस 1 के जगह पे,
इस वन के जगह पे क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और डिवाइड बाई कॉस ए इंटू साइन ए। अब इसको जब अलग अलग करके ऐड करेंगे तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो इतना करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्चुअली में RHS में हम वही किए हैं, रिवर्स ऑर्डर में केवल इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो कुछ नहीं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, LHS और RHS को अलग अलग सॉल्व करके इसको प्रूफ कर देना है, ठीक है। तो ये था पार्ट 9, अब चलते हैं लास्ट पार्ट पे, 10th पार्ट पे। उससे पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। अब आते हैं क्वेश्चन 10 पे। तो क्वेश्चन 10 में तीन एक्सप्रेशंस दिए गए हैं और तीनों को आपस में इक्वल प्रूफ करना है। तो कैसे करते हैं ध्यान से देखेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे कि इस एक्सप्रेशन को tan स्क्वायर a के इक्वल प्रूफ करेंगे और फिर इसको भी इसके इक्वल प्रूफ करेंगे। जब दोनों एक्सप्रेशन इसके इक्वल प्रूफ कर देंगे तो ये तीनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों भी इसके इक्वल है, ठीक है, और ये भी इन दोनों के इक्वल है, यानी कि तीनों आपस में इक्वल हो जाएगा, क्लियर है। चलो तो एक एक करके करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। तो पहले हम इस एक्सप्रेशन को लेते हैं। तो यहाँ पहले जस्ट RHS लिखने कोई मतलब नहीं है क्योंकि तीन एक्सप्रेशन है, तो लिखेंगे सिंपली वी हैव, ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये तो एक सिंपल आइडेंटिटी है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा जो कि सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो कि कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे 1 प्लस टैन स्क्वायर ए है जो कि सेक स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगा, डिवाइड बाई यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है जो कि कॉसेक स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ये आइडेंटिटी है। अब इसको क्या करेंगे, हमको टैन स्क्वायर चाहिए, तो इसको क्या करेंगे, पहले साइन और कॉस में चेंज कर देंगे। तो सेक स्क्वायर जो होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होगा, डिवाइड बाई कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉसेक स्क्वायर 1 अपॉन साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि ये साइन स्क्वायर ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो साइन स्क्वायर ए इंटू 1 साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर ए हो गया, नीचे क्या बचेगा, ये कॉस स्क्वायर नीचे बच जाएगा, ठीक है। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन, लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया टैन स्क्वायर ए के इक्वल, क्लियर है। तो इस एक्सप्रेशन को टैन स्क्वायर ए के इक्वल प्रूफ कर दिए, अब इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो इसको हम 1 लेट करते हैं, इक्वेशन 1। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो लिखेंगे एंड, ठीक है, मेरे पास कौन सा दूसरा एक्सप्रेशन है, 1 माइनस टैन ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट ए, इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो ध्यान से देखेंगे, या तो इसको दोनों को स्क्वायर कर देंगे, 1 माइनस टैन ए का होल स्क्वायर 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, या फिर टैन ए और कॉट ए को साइन और कॉस में चेंज कर देंगे। तो साइन और कॉस में चेंज करते हैं, आसान होगा क्योंकि लास्टली हमको साइन और कॉस में चेंज करना ही होगा। तो चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए डिवाइड बाई, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉट, क्या होता है कॉस अपॉन साइन, तो कॉस ए अपॉन साइन, ठीक है, इस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम कॉस ए होगा, तो यहाँ पे कॉस ए एलसीएम हो गया, तो कॉस ए इंटू 1, यहाँ पे तो कॉस ए हो गया माइनस साइन ए डिवाइड बाई, जस्ट वैसे ही यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, तो साइन ए इंटू 1 साइन ए हो जाएगा, सिंपल एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, माइनस यहाँ पे क्या बचा, कॉस ए बचा, क्लियर है, साइन कॉस ए बचा, ठीक है। चलो अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, इस पूरे का होल स्क्वायर है, अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे है कॉस ए माइनस साइन है, और यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए है, तो देखेंगे यहाँ पे ध्यान से क्या करने वाले हैं। अगर हम इन दोनों में से माइनस कॉमन कर लेते हैं तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि कॉस ए के सामने माइनस साइन है तो ये प्लस हो जाएगा, और साइन ए के सामने प्लस साइन है तो ये माइनस हो जाएगा। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि ये कॉस ए माइनस साइन है, यानी कि ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन सेम हो जाए, क्योंकि ये दोनों एक्सप्रेशन सेम हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, और हमको क्या बचेगा, मेरे पास साइन ए और कॉस ए बचेगा, वहां से टैन साइन आ जाएगा, क्लियर है। तो हम क्या कर रहे हैं, साइन ए माइनस कॉस ए से माइनस कॉमन कर रहे हैं, तो देखेंगे ध्यान से यहाँ पे। तो यहाँ पे है कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है, और ये साइन जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, ये साइन जो है इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो इंटू साइन ए हो जाएगा, और नीचे बचा ये पूरे एक्सप्रेशन कॉस ए से मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, क्लियर है यहाँ तक। मतलब फ्रैक्शंस का जो डिवीजन होता है केवल वो किए हैं और कुछ नहीं किए यहाँ पे, ठीक है। चलो अब इन दोनों में से माइनस कॉमन कर रहे हैं, जब माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस बाहर निकाल लिए, तो अब क्या होगा, कॉस ए के साथ प्लस साइन हो जाएगा, और साइन ए के साथ कौन साइन हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा, क्लियर है। तो ये कॉस ए माइनस साइन है, और ये भी कॉस ए माइनस साइन ए है,
यहाँ पे कॉस ए को बाद में लिखे हैं, साइन ए को पहले लिखे हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये भी जो एक्सप्रेशन है कॉस ए माइनस साइन ए फॉर्म का है, और ये भी कॉस ए माइनस साइन ए फॉर्म का हो गया, इसको कैंसिल कर देते हैं हम, पूरा कैंसिल हो गया, और इस पूरे का क्या था, होल स्क्वायर था। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास केवल बचा साइन ए डिवाइड बाई माइनस कॉस ए इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब साइन ए और कॉस ए, साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए क्या होता है, टेन ए होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस है, और माइनस का जब स्क्वायर करते हैं यानी कि माइनस को जब दो बार मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस बन जाता है, पॉजिटिव आता है आंसर। क्लियर है, तो यहाँ पे माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन, यानी कि टेन ए का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर। ठीक है, इसको हम इक्वेशन टू करते हैं, तो हम देख पा रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन का भी वैल्यू टेन स्क्वायर ए इक्वल आ रहा है, और इस एक्सप्रेशन का भी वैल्यू यानी कि इसका भी वैल्यू टेन स्क्वायर ए इक्वल आ रहा है, तो दोनों आपस में भी इक्वल होंगे, और किसके इक्वल होंगे, टेन स्क्वायर के। तो लिखेंगे लास्ट में कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट अबव थ्री एक्सप्रेशंस आर इक्वल टू इच अदर। ठीक, ऐसे लास्ट में लिख लेंगे। क्लियर, या फिर फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू लिख के इन तीनों एक्सप्रेशन को इक्वल दिखा देंगे। क्लियर है, चलो, तो ये था इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, और यहाँ पे ये एक्सरसाइज भी खत्म होता है और चैप्टर भी खत्म होता है। ठीक है ना, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है हेड एंड डिस्टेंस, जो कि एनसीईआरटी में सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री दिया गया है। ठीक है, चलो, तो इस वीडियो में यही क्वेश्चन रहेगा, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।